नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्टी और समर्थक विधायकों का मन टटोलना शुरू कर दिया है। विधानसभा में राजस्थान के विधायकों से अजय माकन ने 1-to-1 कर फीडबैक लेना शुरू किया है। जयपुर जिले के सभी कांग्रेस और निर्दलीय विधायक माकन से बात करने पहुंचे हैं। शुरुआत जयपुर शहर के विधायकों से की है। विधायकों से सरकार और मंत्रियों के कामकाज को लेकर जनता के परसेप्शन के बारे में पूछा जा रहा है। सरकार रिपीट कैसे हो इसके बारे में भी विधायकों से राय लेनी जा रही है। जयपुर जिले के विधायकों से 1-to-1 बात करने से पहले अजय माकन के साथ ग्रुप फोटो भी करवाया गया। हर विधायक को अजय माकन करीब 5 मिनट चर्चा कर सत्ता संगठनों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के नामों के बारे में भी विधायकों से राय ली जा रही है। इसी के साथ गुलाबचंद कटारिया ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि गहलोत सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। अजय माकन से मिलकर सत्ता संगठन पर फीडबैक देने जयपुर के सभी कांग्रेस और निर्दलीय विधायक पहुंचे। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री राजेंद्र यादव, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, गोपाल मीना, गंगा देवी, वेद प्रकाश सोलंकी, गहलोत समर्थक, निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर, लक्ष्मण मीना भी पहुंचे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है। बड़ी बात तो यही है कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस विधायकों की बात चल रही है। मैंने आज भी ये बात उठाई है। मुख्य रूप से मैंने कहा है कि जो हमारे जो 120 MLA जो निर्दलीयों के साथ मिला के जो 102 हमारे साथी है कांग्रेस के, वो ही पूरी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के वो साथी भी हैं जो चुनाव हार गए किसी कारणवश, वो साथी भी हैं। तो माकन साहब ने कहा है उनको मिला के हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उनकी राय भी महत्वपूर्ण यह है भाई, चुनाव जितना सब कुछ नहीं। बहुत सारी बातें हुई, संगठन के बारे में बात हुई, सरकार की नीतियाँ उसके बारे में बात हुई, थोड़ा जोर से बोलिए, बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कशन हुआ उसके अंदर हमें संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, शहर का जिला अध्यक्ष है, उसके बारे में चर्चा करी और सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनके बारे में बात करी। तो ये सारी बातें करके मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, मंत्रिमंडल फेरबदल की जब बात आई तो ये तो मुख्यमंत्री जी का और आला कमान का डिसीजन है कि वो किस तरह कब और कैसे ये करना चाहें, तो वो उसके लिए अधिकृत हैं और हमारी उनके साथ सहमति है।